हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डर्बीशायर क्लब के लोगों ने महान गायक मुकेश की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। गायक मुकेश की 45वीं पुण्यतिथि पर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने पितरकुंडा पर मछलियों को चारा खिलाया। इस संबंध में शकील अहमद ने बताया कि मुकेश साहब बेहतरीन कलाकार थे। हालांकि वो मुंबई नायक बनने के लिए आए थे, मगर उन्होंने गायक के रूप में फिल्मी दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि मुकेश साहब ने हजारों गीत गाए, मगर उनके कुछ यादगार गीत ऐसे भी हैं जो जीवन की सत्यता को दर्शाते हैं। उन्होंने बताया कि वाराणसी गलियों का शहर है और आज भी लोग यहां रेडियो पर मुकेश जी के गाने सुना करते हैं। शकील अहमद ने बताया कि मुकेश जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनके गीत हमारे दिलों में सदैव रहेंगे। हम लोग एक महान गायकार स्वर्गीय मुकेश जी की 45वीं पुण्यतिथि प्राचीन कुंड पितरकुंडा पे मना रहे हैं, और इस कुंड पे कोरोना के कारण से मैं सड़क पे नहीं था, इसी कुंड पे कर रहा हूँ। मछली को चारा दूंगा और उसके बाद श्रद्धांजलि यहाँ पे कार्यक्रम है। मुकेश जी आज हमारे बीच में नहीं है। आज ही के दिन 27 अगस्त 1976 को अमेरिका में एक प्रोग्राम के दौरान उनको हार्ट अटैक हो गया था और बहुत कम उम्र में इस दुनिया को वो छोड़ के चले गए। मुकेश जी वाराणसी से, वाराणसी एक ऐसा शहर है, प्राचीन शहर है बनारस, जहाँ पे गलियों का शहर है। यहाँ पे यहाँ के लोग हमेशा टानिस्टर सुना करते थे और मुकेश जी के गीतों को सुना करते थे, और आज मुकेश जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुकेश जी की यादें हैं। मुकेश जी ने जीवन में ऐसा ऐसा गाना गाया है, वो जाने वाले हो सके तो लौट कर आना, और सजन रे झूठ ना बोलो खुदा के पास जाना है, ये ऐसे ऐसे गीत उन्होंने गाया था कि आज हमारे दिलों में वो राज करते हैं। आज मुकेश जी नहीं है, हम उनके 45वीं पुण्यतिथि पे सत नमन करते हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।